रामावतार मर्यादा का अवतार है ना, इसलिए मैया पहले आ गई। और मैया कहते हैं, सुनो सीता जी, आपकी इच्छा जो है, मनोकामना, वो अवश्य पूर्ण होगी। ठाकुर जी जरूर आएंगे, आप जिनको पति रूप में चाहती हैं वो जरूर प्राप्त होंगे। अच्छा, विदर्भ नंदिनी रुक्मणी जी ये जब प्रार्थना करती हैं तो मैया की मूर्ति हंसती है, प्रसन्न मुद्रा में मैया मानो मौन में वरदान दे देती है कि ठाकुर आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन ब्रज की गोपियों का तो प्रेम ऐसा उत्कट प्रेम कि कात्यायनी मैया हंसने से पहले, कुछ बोलने से पहले, ये उधमी लाला पहले ही पहुंच गए और आ तो गए, वस्त्रों को लेके ऊपर चढ़ गए। अब सब गोपियां जैसे ही स्नान करती हैं, देखती है अरे वस्त्र तो है ही नहीं, तो ठाकुर जी को अरे कहां गए वस्त्र, कहां गए, ऊपर देखते हैं ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे। ब्रज गोपी का है, एक दूसरे को इशारा करती है कोहनी से कि देखो वो आ गया नंद का लाला, बड़ा तुम जप कर रही थी ना, लो आ गया, अभी मिल गया तुमको। तो ब्रज गोपिकाएं कहते अच्छा, मैं अकेली थोड़ी जप रही थी, तू भी तो मर रही थी, तू भी तो सुबह सुबह आई ऐसी ठंड में, ले जा तू मिल ले। अब दोनों सब गोपियां एक दूसरे को इशारा करती हैं, मन में तो प्रसन्न होती है लेकिन संकोच भी बहुत लगता है। ठाकुर जी बोलते हैं हे गोपिकाओं, तुम्हारे मन की जो इच्छा है उसे हम जानते हैं। संकल्पो विनित साध्वियो, अच्छा साध्वी कहा ठाकुर जी ने, सती सावित्री परम पवित्रा भवती नाम मदर्चनम, कात्यायनी की पूजा कर रही है लेकिन ठाकुर जी कहते मदर्चनम, मेरी अर्चना, इसका क्या अर्थ है? इसका मुख्य अर्थ तो यही है कि कात्यायनी जो है ठाकुर जी वही है, शक्ति और शक्तिमान में अंतर नहीं है। और दूसरा अर्थ ये है कि आप जिस कामना से अर्चन करते हैं वही आपका इष्ट है, चाहे देवता कोई भी हो। अगर आप राधा वल्लभ लाल जी की आराधना करते हैं और मन में इच्छा हो कि मेरे बेटा को सुख मिले, मेरी बेटी को सुख मिले, मेरे पोता हो जाए, पोती हो जाए, तो राधा वल्लभ लाल आपके इष्ट नहीं है, इष्ट आपके बेटा बहु ही है, पोती है। समझ में आ रहा है? यहां उपासना कर रही है कात्यायनी की लेकिन चाह रही है कृष्ण को, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भवती नाम मदर्चनम, मेरी अर्चना से, तुम किस लिए मेरी अर्चना कर रही हो मैं जानता हूं। मया अनुमोदिता सो सत्यो भवितुम अर्हति, मेरे द्वारा अनुमोदित हुआ है ये और ये निश्चित सत्य होगा। अब इस विषय में एक विचारणीय बात है, कात्यायनी मंत्र में क्या शब्द है? कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः, पति बनाओ नंद गोप के पुत्र को, हमारा पति बनाओ। पति यहां उपपति, जार, ये सब नहीं कहा, प्रेमी प्रियतम नहीं कहा, नंद गोप सुतं देवी प्रियंग में कुरुते नमः, जारंग में कुरुते नमः नहीं है, उपपतिंग में कुरुते नमः नहीं है, पतिंग में। और ठाकुर जी क्या कहते हैं, मयानुमोदित सोसो सत्यो भवितुम अर्हति, अवश्य ही तुम्हारी जो इच्छा है वो सत्य होगी, पूर्ण होगी।
इसका अर्थ है ठाकुर जी ने श्री कृष्णावतार काल में ही ब्रज गोपियों को पति रूप से अपनी प्राप्ति कराई है। गोपी के पति ठाकुर जी बने, ये ब्रज गोपिकाएं कौन थी? आधुनिक लेखों की बात हम नहीं करते, 200, 400, 500, 700 साल पहले लिखे गए ग्रंथों की चर्चा मैं न करूं, सबसे प्राचीन पद्म पुराण की चर्चा की जाए तो पद्म पुराण में भी ये गोपियों के बारे में वर्णित है कि ये लोग पूर्व की कई कई कल्प तक भजन करने वाले ऋषि थे। उग्रतपा नाम के ऋषि थे, वे प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और पंचदशाक्षर गोपीजन वल्लभ मंत्र का जाप करते थे। रास में उन्मत्त श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए इन्होंने 100 कल्प तक तपस्या की। अब विचार कीजिए 100 कल्प किसे कहते हैं? हाँ, 1000 मन्वंतर बीते हैं, 14 मन्वंतर बीते हैं, 1000 बार चतुर्युगी बीते तब 1 कल्प, और 100 कल्प तक अग्निहोत्र करते रहे। रासोन्मत्त श्री कृष्ण का भजन करते थे तब जाके गोपी बन के आए। और हम लोग साल दो साल वृंदावन में रहे नहीं, दीक्षा ले नहीं, हम तो सब गोपी बन जाते हैं। अजी आप थोड़ी जानते हैं, हमारी तो 200 कल्प की भजन हो चुका है, इसीलिए अभी तक रसगुल्ले में मन अटकता है, मालपुआ कचौड़ी की याद आ जाती है, खुशबू आते ही तो मुंह में पानी भी आ जाता है, लेकिन हमारे 200-300 कल्प का भजन पूरा हो गया है महाराज जी। ये केवल मिथ्या भ्रांति अपने मन में है। मन में दृढ़ भाव हो कि मैं ब्रज गोपी ही हूं, यहां का आवेश जब तक रहेगा तब तक 100 कल्प क्या, 500 कल्प तक भजन करो तो भी यहां का आवेश पहले शिथिल करना पड़ेगा। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं बूढ़ी हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं उड़िया हूं, मैं बंगाली, ये सब मिथ्या है। इन सबको भूल के केवल मैं तो ब्रज की गोपी हूं, श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा की दासी, जन्म जन्म मोहे लियो, श्री वृंदावन वासी, श्री वृंदावन वासी। ब्रज छोड़त पुरुष अभिमान, किंकिरि भइनु आज कान, पुरुष भाव को बिना छोड़े किंकिरि नहीं बन सकते हो। श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी, राधैव सेव्या मम। श्री हित हरिवंश महारो, राधा रस सुधा निधि जय हो। ऐसा अद्भुत ग्रंथ कि जिसको पढ़ने पर ही राधा रानी में ऐसा दास्य प्रकट हो जाता है। वैदग्ध्य सिंधु अनुराग रसिक सिंधु, वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधिका स्फुरतु मे हृदि केनि सिंधु। रस सिंधु श्री राधा मेरे हृदय में, यत्किंकरीषु बहुशा खलु का कुमारी,
जिनकी दासियों की भी चाटुकारिता ठाकुर जी नित्य निरंतर करते रहते हैं। सखियां जब जाती होती हैं, ठाकुर जी चुपके से पूछते हैं, सखी स्वामिनी जी कहाँ है, स्वामिनी जी कहाँ है बताओ। तो सखी कहती, क्यों जी, अब आपको याद आई, ठाकुर जी बोले तुम क्यों ऐसा ऐसी बात करती हो, क्या तुमको नहीं पता कि मेरी आराध्या मेरी प्राण प्रिया तो केवल किशोरी जी हैं। बोले नहीं बताएंगे, आज वो बहुत थक गई हैं, आज वो विश्राम कर रही हैं, आज वो नहीं आएगी वन विहार में। ठाकुर जी उनको नाना प्रकार से कहते, कभी बोलते अच्छा चरण दुख रहे मैं दबा दूं, तो कोई सखी मजाक में बोलती है अजी चरण तो हमारे भी दुख रहे हैं। ठाकुर जी बिन पूछे तुरंत उनके चरण दबा लेते, लाओ मैं पहले तुम्हारे चरण की सेवा कर दूं। राधा रानी की दासी को भी ठाकुर जी ऐसे रिझवार करते हैं, ऐसे मनाते हैं। और कभी श्री जी का दर्शन हो गया, दर्शन तो बहुत दूर की बात, महाप्रभु जी तो कहते हैं यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्तर धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगिन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनो तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। जय हो। कैसा मंगलाचरण है, कभी कदापि, कभी कभार, नित्य नहीं, कभी कदाचित खेलते हुए वृषभानु भवन में छोटी सी लाडली किशोरी जब खेल रही हैं सखियों के साथ, ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता आदि समवयस्का सखियां घेर के, और लाडली जी खेलते खेलते हवा का झोंका आता है और श्री जी का आंचल उड़ जाता है। श्री जी के अंग से जो दिव्य स्वेद निकला है उसकी खुशबू से वो आंचल महकता है, और जो दिव्य पवन है वो उस आंचल की खुशबू को लेके नंदगांव की तरफ ले जाता है। वसनांचल यस्या कदापि वसनांचल, और वो हवा जब जाती है नंदगांव में किसको स्पर्श करती है, योगिंद्र दुर्गम गति, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगिंद्र जतींद्र जिनको ध्यान में भी सहसा देख नहीं सकते, उन श्री कृष्ण को स्पर्श करते ही श्री कृष्ण तटस्थ हो जाते हैं, सारे काम को उनके हाथ से गेंद गिर जाती है, बंसी गिर जाती है और तटस्थ स्तब्ध खड़े हो जाते हैं और उस आग्रहण करते हैं उस दिव्य पवन का, अपने एक एक रोम से उसको स्पर्श करते हैं, बरसाने की तरफ उनका मुखमंडल घूम जाता है। धन्याति धन्य पवन कृतार्थमानि, धन्याति धन्य अपने आप को मानते हैं, जिस श्री कृष्ण के नाम लेने से योगी कृतार्थ हो जाते हैं, उन श्री राधा रानी के पवन से स्पर्श किए हुए पवन को स्पर्श करके श्री कृष्ण कृतार्थ हो जाते हैं। ऐसी श्री राधा रानी को नहीं, श्री राधा रानी के चरण कमल को नहीं, श्री राधा रानी के धाम को नहीं, श्री राधा रानी की चरण धूल को भी नहीं, जिस दिशा में श्री राधा रानी है उस दिशा को ही हम प्रणाम करते हैं।
यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीम मुख्ये रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण महंत शक्ति तंग्राधिकां चरण रेणु अनुस्मरामि। जय हो। जो ब्रह्मा रुद्र शिव शुक आदि बड़े बड़े दिव्य महापुरुष जिन श्री कृष्ण के चरण कमल में ध्यान निरंतर करते रहते हैं, श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उन श्री कृष्ण को वश में करने के लिए जो अत्यंत मोहचूर्ण अत्यंत वशीकरण चूर्ण का काम करती है, ऐसी श्री राधा रानी की चरण धूल को हम प्रणाम करते हैं। अब इन श्री राधा रानी के चरण कमल की प्राप्ति कैसे हो, तो कहते हैं ओ राधा चरण प्रधान ओ अनन्य उत्कट व्रत धारी राधा चरण प्रधान अनन्य उत्कट व्रत धारी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी व्यास सुवन पथ अनुसरे सो ही भले पहचानी है श्री हरि वंश भजन की रीत सुकृत को जाने श्री हरि वंश भजन की रीत सुकृत को जाने व्यास सुवन पथ अनुसरे राधा चरण प्रधान। जो राधा रानी के चरण कमल की प्रधान रूप से भक्ति करे, पहली शर्त। दूसरी शर्त सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, महाप्रसाद में जिनकी अनन्य निष्ठा हो, ठाकुरों को प्रसाद ही केवल जे खाइबे, जहाँ ठाकुरों को नैवेद्य ही नहीं सेटा खाइबे नहीं, राधा रानी को कृष्णचंद्र को ठारू अधिक टिके भल पाइबे, राधा रानी को ठाकुर जी से थोड़ा अधिक प्रेम करोगे। ब्रज गोपिकाएं दो प्रकार की होती है, तीन प्रकार की, एक पहले तो दो प्रकार की है, एक सम स्नेहा एक विषम स्नेहा। सम स्नेहा यानी जो राधा और कृष्ण दोनों को समान प्रेम करती है वो सम स्नेहा। एक विषम स्नेहा गोपियां होती है, विषम स्नेहा में एक गोपियां होती है जो कृष्ण प्रेमाधिका और दूसरी होती है राधा प्रेमाधिका। जो कृष्ण प्रेमाधिका होती है वो चंद्रावली आदि गोपिकाएं हैं, सेव्या पद्मा चंद्रावली, ये कृष्ण भगवान को ज्यादा प्रेम करती हैं। एक होती है राधा स्नेहाधिका जिनमें ठाकुर जी के से ज्यादा राधा रानी के चरण कमल में प्रेम होता है। ऐसी गोपिकाएं तो ठाकुर जी के पास भी जाने पर भी राधा रानी से ठाकुर जी का मिलाप हो इसी की चिंता करते रहते हैं। राधा स्नेहाधिका जो ब्रज गोपिकाएं हैं वे लोग श्री कृष्ण से अलग से मिलने की कभी कामना नहीं करते,
उनके मन में कभी ये विचार स्वप्न में भी नहीं आता कि लाल जी हमारे पास है, नहीं। जब भी लाल जी को देखते हैं ठाकुर जी के, श्री जी के से कैसे इनका मिलान हो, श्री जी से कैसे मिलान हो, ये विचार करती है राधा स्नेहाधिका। और ऐसा उनका श्री जी में प्रेम होता है कि ठाकुर जी को पहचानती भी नहीं है। जब ठाकुर जी कभी अकेले में आ जाते हैं ना, बोलते हे सखी सुन, बोले कौन हो तुम, बड़े आए मुझसे बात करने, अरे मुझे नहीं पहचानती, रोज मेरी सेवा करती है तू कुंज में। बोले देखो हमारी सखी बावरी है जो तुम जैसे काले कलूटे से प्रेम कर गई, हमारी सखी से हम प्रेम करती हैं। मेरे प्राण नाथ श्री राधा, वचन धरो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। कोई कहीं भी मन दो, मेरे तो प्राणनाथ राधा रानी है। यदि स्नेहाद राधे दिशसि रति लांपट्य पदवीं, गतम मे स्वप्रेष्टम तदपि मम निष्ठां श्रुणु यथा, समाश्लिष्यामुच्चै रथचर सहे त्वत्पद रसम। वो सखी तो ऐसा कहती है कि अगर कभी श्री जी मेरे प्रेम की परीक्षा करने के लिए अथवा प्राणनाथ श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए कभी मुझे भेज देंगी कि जाओ लाला को आलिंगन करके आओ लाल जी को, तो हे राधा रानी सुन लीजिए मेरी निष्ठा कि मैं जाऊंगी तुम्हारे आदेश को मान के, और समाश्लिष्यामुच्चै मैं उनको आलिंगन भी करूंगी, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में तो तुम्हारे चरण कमल से जो हृदय धन्य हो गया है उस हृदय को स्पर्श करके तुम्हारे चरण कमल के ही ध्यान में डूबी रहूंगी, तुम्हारे चरण कमल के रस में ही डूबी रहूंगी। ब्रज गोपिका तो अगर ठाकुर जी को आलिंगन भी करती है तो ऐसा मन में भाव होता है कि इसी वक्ष स्थल में तो ठाकुर जी राधा रानी के चरण कमल को धारण करते हैं। और मैं बता दूं, जो राधा स्नेहाधिका ब्रज गोपिकाएं हैं ना, ठाकुर जी उन्हीं ब्रज गोपिकाओं को विशेष प्रेम करते हैं। और जिस गोपी के मन में ठाकुर जी को अलग से प्राप्त करने का विचार आ जाता है, उससे ठाकुर जी थोड़े थोड़े संकोच में ही रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। इसीलिए श्री जी के चरण कमल की आराधना सर्वोपरि है। राधा रानी के चरण कमल को त्याग करके अगर कोई श्री कृष्ण के चरण कमल का आस्वादन करना चाहता है तो वो कभी भी श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे पूर्णिमा का चंद्र पूर्णिमा के बिना नहीं मिलता, ऐसे राधा रानी की कृपा के बिना, राधा रानी के रस के बिना श्री कृष्ण का रस तो विरस ही है। अब बताओ, कल हम लोग यहां गोपिका गीत की चर्चा करेंगे, कल महाराज की चर्चा पर ही कथा का विश्राम करेंगे, ऐसा विचार है, बाकी ठाकुर जी की इच्छा। तो उस ब्रज गोपिकाओं में से भी सबने श्री कृष्ण का अन्वेषण किया, लेकिन अंत में जब सब ब्रज गोपिकाएं श्री जी की शरण ग्रहण करती हैं तब ही ठाकुर जी की प्राप्ति उनको हो पाती है। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्चय, जपे माध्याय देवा की सभवे पात की शिरे। शंकर भगवान तो सम्मोहन तंत्र में यहां तक कहते हैं कि गौर तेज के बिना, श्री राधा रानी के बिना कोई कृष्ण चंद्र की आराधना करता है, जप करता है, अर्चना करता है तो भी वो पुण्य नहीं पाप का भागी हो जाता है। इसीलिए उन श्री राधा कृष्ण के चरण कमल में हमारी भक्ति हो। यहीं पर आज कथा का विश्राम करते हैं, समय की सीमा का यहीं पर निर्धारण हुआ है।